हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयद मोहम्मद वाले वसल्लम। आज मैं इसको मौजूद हूँ अताबाद लेक। ये भी हुंजा का टॉप मोस्ट टूरिस्ट एरिया है, जहाँ पे तमाम टूरिस्ट जो फॉरनर्स भी हैं और जो पाकिस्तान के भी टूरिस्ट हैं वो आते हैं यहाँ पे, और इस झील का ख़ास तौर पे इसकी जो है ना वो सैर करते हैं। इस झील की खासियत ये है कि यहाँ पे तीन तरह के जो है ना आपको रंग नजर आएंगे। अभी आप जिस कलर से गुजर रहे हैं ये ब्लू कलर का है इसका पानी, थोड़ा सा आगे जाएंगे ये पानी ग्रीन कलर का हो जाएगा, अगर थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ये पानी ब्राउन कलर का हो जाएगा। हुंजा के बारे में मुझे बड़ी अच्छी बातें जो है वो पता चल रही हैं, जैसे कि 99% जो है यहाँ पे लिटरेसी रेट है और क्राइम रेट जो है यहाँ पे 0% है। बड़ा खूबसूरत इलाका है, अगर आप ये गौर करें बड़े पहाड़ हैं। ये सोचने की कोशिश करो ये जो पहाड़ों में लाइन्स बनी हुई है जो आपको दिखाएंगे जहन, इस तरह की जो लाइन्स बनी हुई है जब आप इस बोट पे बैठ के इस झील का सफ़र करते हैं, ये तकरीबन 40 मिनट का जो है वो सफ़र है, और 40 मिनट में यकीन के लिए जो ज़िंदगी का जो एहसास है, जो कुदरत का एहसास है, इस कदर गहरा होता है कि इंसान को अपनी ज़िंदगी से बहुत खुशी हो जाती है, इंसान को खुदा से बहुत खुशी हो जाती है। खुदा के जो नज़ारे हैं, जो खुदा के जो इतनी खूबसूरत जो पहाड़ हैं वो देख के यकीन के लिए जो प्लेयर लेवल है वो बढ़ जाता है। ज़िंदगी में जब भी नया एक्सपीरियंस करता हूँ मुझे तो उस काम का बड़ा मज़ा आता है, बड़ा प्रयत्न होता है। मैं आपको यही दुआ करूँ आप लोग भी यहाँ पर आके एक्सपीरियंस करें, और अपनी जो थोड़ी ज़िंदगी है जो आप लोग अपने घरों में गुजार रहे हैं रूटीन लाइफ में, उसको ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से घर आ जाते हैं, ज़िंदगी जो है ना वो आप गुजारने जा रहे हैं जिसमें प्लेयर लेवल जो है वो बहुत कम होता है। कोशिश कीजिए